मेरे शहर भुवनेश्वर में मेट्रो बननी चाहिए, नहीं इसके पहले तो गुवाहाटी में बननी चाहिए क्योंकि वो ज्यादा बड़ा है, नहीं इसके पहले तो रांची में बननी चाहिए, या इसके पहले तो कोयम्बतूर में बननी चाहिए जिसको मेट्रो की बहुत जरूरत है। आज हम सभी अपने अपने शहरों में मेट्रो बनवाने के लिए कई ऐसे तर्क देते हैं, या भले आपके शहर के अंदर मेट्रो बनाने के लिए जो एक बेसिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट्स है वो भी ना हो, लेकिन फिर भी लोग और कई पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा में मेट्रो जगह जरूर बनाते हुए हमें नजर आ जाती है। लेकिन दुनिया के किसी भी शहर में जो एक रिक्वायरमेंट है 10 लाख पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर की पॉपुलेशन का, वो मीट न होने के बावजूद कई ऐसे टीयर 2 सिटीज है जिनमें मेट्रो ना सिर्फ बनी है लेकिन बनाई भी जा रही है और आगे भी प्रोबेबली बनती रहेगी। और आज हम इसी विषय के ऊपर बात करेंगे कि क्या सच में ये मेट्रो इंडिया को बनानी चाहिए या नहीं, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इन मेट्रो सिस्टम के अंदर सस्टेनेबल क्राउड देखा नहीं जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। कानपुर मेट्रो, जयपुर मेट्रो, इंदौर मेट्रो, भोपाल मेट्रो, इन सभी मेट्रो लाइन्स में से कुछ हिस्से ओपन है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये सारे लाइन्स के अंदर एक चीज कॉमन ये है कि इन जिन इलाकों में से इसको बनाया जा रहा है वहां पर जो रिक्वायरमेंट है 10 लाख पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर की, ये मीट नहीं होती और इतने कम पॉपुलेशन डेंसिटी साइड में मेट्रो नेटवर्क का सक्सेसफुल होना मुश्किल होता है। इसका प्राइम एग्जांपल भी है जयपुर और कानपुर मेट्रो, जो इतना क्राउड भी अट्रैक्ट नहीं कर पाती कि ये अपने आप को सस्टेनेबली चला पाए। इनफैक्ट जयपुर मेट्रो को इंडिया का बिगेस्ट फेल्ड मेट्रो प्रोजेक्ट माना जाता है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी कि कितने बुरे हालत में ये चल रही है। लेकिन इसके बावजूद ना सिर्फ जयपुर और कानपुर मेट्रो एक्सपांशन हो रहा है, लेकिन आगरा, लखनऊ, इन शहरों के अंदर रिकॉर्ड टाइम्स में मेट्रो लाइन्स कंस्ट्रक्ट की जा रही है। तो क्या छोटे शहरों के अंदर मेट्रो लाइन्स बनाना सही है, सरकार अपना पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट कर रही है या नहीं, ये समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री दुनिया भर के अंदर का समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि छोटे शहरों के अंदर या अनटच्ड जगहों के ऊपर मेट्रो लाइन्स पहले नहीं बनाई जाती थी। मेट्रो लाइन जरूरी नहीं है कि आज के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, लेकिन फ्यूचर में जबरदस्ती का ग्रोथ लाने के लिए या एंटीसिपेटेड ग्रोथ को फुलफिल करने के लिए भी मेट्रो बन सकती है। कई देश के बड़े शहरों के अंदर मेट्रो तो लेट बन रही है जिनको दशकों पहले बनना चाहिए था, लेकिन कई मेट्रोज आज ऐसी भी बन रही है जो आगे के 15, 20 या 25 सालों में कैटर करेगी। ये सिर्फ इंडिया के लिए कोई नई कहानी नहीं है। 1863 में दुनिया की खुली हुई पहली अंडरग्राउंड मेट्रो या लंदन अंडरग्राउंड ऐसे टाइम पर ओपन की गई थी जब लंदन इतना बड़ा शहर नहीं था। मेट्रो के इंट्रोडक्शन के साथ में शहर भी अपने आप एक्सपांड हुआ। साल 1884 में ही बकिंगम शहर से लेकर वैनी जंक्शन तक एक्सटेंड किया गया था लंदन अंडरग्राउंड को। उस समय पर ये जो एरियाज थे ये बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज नहीं थे, लेकिन लाइंस के खुलने के साथ साथ और शहर के एक्सपांशन के साथ साथ ये रूट्स बिजी होते गए और लंदन अंडरग्राउंड आज दुनिया का वन ऑफ द बिजीएस्ट ट्रांजिट सिस्टम माना जाता है और ऑब्वियसली हिस्टोरिक भी है। ज्यादा पास्ट में भी अगर हम नहीं जाए तो चाइना को हम देख सकते हैं। हमने चाइना की रिसेंट मेट्रो रूट को भी एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, क्योंकि चाइना बहुत से डेंस शहरों के लिए फेमस है। आज वहां मेट्रो रेल सिस्टम को तेजी से बनाया जा रहा है। 150 से ज्यादा वैसे शहर है वहां पर जिनमें 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है। बस शांघाई और बीजिंग मिला के ही अमेरिका के कंबाइंड जो सारे सिटीज के अंदर टोटल मेट्रो नेटवर्क्स है उनसे ज्यादा ग्रेड लाइंस मेट्रो के लिए मेंटेन करते हैं। लेकिन ऐसा पहले नहीं था, क्योंकि साल 1995 तक चाइना में सिर्फ बीजिंग शहर के अंदर मेट्रो लाइन एग्जिस्ट करती थी। इंडिया में इनफैक्ट उसके पहले मेट्रो आ गई थी। इंडिया की पहली मॉडर्न मेट्रो अगर कोलकाता के बाद में बनी तो 2002 में वो दिल्ली में ओपन की गई थी। यानी कि चाइना और इंडिया के मेट्रो रेल नेटवर्क्स का मॉडर्नाइजेशन जो शुरुआत थी उसके बीच में ज्यादा गैप नहीं है। पर फर्क ये आया जब साल 2008 में चाइना अंधाधुंध मेट्रो लाइन्स कंस्ट्रक्ट कर रही थी, इंडिया में बहुत रेयरली इनके ऊपर काम हो रहा था। गौर देने वाली बात यह है कि तब दुनिया चाइना का मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि चाइना कुछ ऐसे छोटे शहरों में भी मेट्रो लाइन्स कंस्ट्रक्ट कर रही थी जो लिटरली विलेजेस थे। आपको ऐसे कुछ सारे वीडियोस देखने मिलेंगे इंटरनेट के ऊपर जहां पर ऐसे मेट्रो स्टेशन का रूप दिखाया गया है जो कि ऐसे जगहों पर ओपन होते थे जहां पर लिटरली जंगल था, खाली जमीनें थी, आसपास तक कोई नहीं था और पूरी दुनिया जो है चाइना को बेवकूफ समझती थी इन मेट्रोस को बनाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे इन मेट्रो लाइन्स की वजह से कनेक्टिविटी बढ़ी, धीरे धीरे वहां पर बड़े अर्बन ह्यूमन सेटलमेंट्स आना शुरू हुए, जिसके कारण जो मेट्रो स्टेशंस बनाए गए थे घोस्ट स्टेशंस की तरह वो धीरे धीरे इंपॉर्टेंट बनते गए। सिर्फ 8 से 10 सालों में मेट्रो स्टेशंस के आसपास में इतना ज्यादा इंफ्रा डेवलप हो गया कि यहां पर स्टेशंस के साथ साथ एक फलता फूलता इकोनॉमिक हब भी लोगों ने मेट्रो स्टेशन के आसपास बनता हुआ। चाइना ने छोटे बड़े 47 सिटीज के अंदर आज अर्बन रेल सिस्टम्स बनाए हैं
और इसके साथ साथ काम जो है वो रुक नहीं रहा है, ये कंटिन्यूसली और करते जा रहे हैं। और अगर हम दुनिया के अंदर के ऐसे कई एग्जांपल्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि मेट्रो स्टेशन कोई छोटे शहरों के अंदर नहीं होने चाहिए और उसके से कोई फायदा नहीं होता, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें ज्यादा रीजंस मिलते हैं मेट्रो लाइंस को बनाने के लिए और वो एक एक करके समझ लेते हैं। ट्रैफिक कंजेशन, आज मुंबई हो या इंदौर, भारत के ऑलमोस्ट छोटे बड़े शहरों के अंदर ट्रैफिक की समस्या एग्जिस्ट करती है। लेकिन कई शहर बड़े ऐसे हैं जिनके अंदर ये समस्या ठीक होती या फिर कहे तो एक कंट्रोल के अंदर होती अगर मेट्रो या कोई दूसरा मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पहले से एग्जिस्ट करता। मुंबई के अंदर काफी लेट चीजें हो रही है, दिल्ली में भी काइंड ऑफ लेट ही हुई, कलकत्ता का एक्सपेंशन ज्यादा नहीं हो पाया, सेम गोस फॉर बेंगलुरु। ये चीजें नहीं होती अगर एक अच्छा ट्रांजिट मीडियम पहले ही एग्जिस्ट करता, जो कि हमें क्लियरली मेट्रोस के जरिए होता हुआ नजर आता है। और ये चीजें हमें फ्यूचर में जो अभी छोटे शहर है उनके लिए होपफुली काम करते हुए नजर आएगी। नेक्स्ट है अर्बन प्लानिंग। देश में आज सिर्फ 4-5 नहीं बल्कि 40 से 50 मेट्रोपॉलिटन सिटीज की जरूरत है जो देश की अर्बन पॉपुलेशन को बनाने में मदद करे और अर्बन सेंटर्स ऑफ ग्रोथ को डेवलप करे। जब मेट्रो लाइन कहीं पर बनती है तो शहर के लिए एक प्लान लेआउट प्रमोट होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पहले छोटे मोटे गांव वाले घर बनते हैं, उसके बाद में छोटे मोटी बिल्डिंग्स बनती है, फिर छोटा मोटा कमर्शियल बनके धीरे धीरे जैसे लोग यहाँ पे आते जाते हैं वैसे एक्सपांशन होता है। दिल्ली एनसीआर ने ये प्राइमली देखा है कि जब कोई मेट्रो लाइन आती है तब रियल इस्टेट डेवलपर्स, गवर्नमेंट, कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, सब जो सब है, ये कनेक्टिविटी को देखते हुए तुरंत प्रॉपर मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रा बनाना शुरू करते हैं। और जो पहली बिल्डिंग खाली जमीन पर बनती है वो कोई झोपड़ा नहीं बनता बल्कि एक प्रॉपर डेवलप्ड बिल्डिंग बनती है। मेट्रो लाइन ये चीज भी करवाती। इंटीग्रेशन विद अदर ट्रांसपोर्ट मोड्स। इंडिया में कभी कभी सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन मोड किसी भी शहर की नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता, इसलिए देश के स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर भी मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन हब्स को बनाया जा रहा है और मेट्रो सिस्टम जो है इनकी मेन आर्टरी बनती है। चौथा है मॉडर्नाइजेशन। किसी भी देश के ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन उसके फ्यूचर को बताती है, पर दुर्भाग्य से आज पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा ट्रांजिट मोड इंडियन रेलवेज है जो कि सब स्टैंडर्ड है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बहुत पीछे। आज ऐसे ही भारतीय शहरों के अंदर चाहे वो बुलेट ट्रेन नेटवर्क हो, RRTS हो या मेट्रो लेन, इनको बनाना जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में जो अनिवार्य फैसिलिटीज लोगों को मिलनी चाहिए वो मिल सके। और टीयर 2 सिटीज जो है ये बेहतर बने हमारे आज के टीयर 1 सिटीज से, ये कहीं ना कहीं पर इन मेट्रो लाइंस के जरिए ही पॉसिबल होगा। और इसलिए चाहे ये लाइंस आज लॉस में क्यों ना चल रही हो, कमिंग फ्यूचर में इंडिया के ग्रोथ के साथ में ये अपना जो एक्चुअल काम है वो जरूर फुलफिल करेगी। इंग्लिश में कहावत है जिसमें क्लियरली कहा जाता है इफ यू बिल्ड इट देन दे विल कम, यानी अगर आप कोई फैसिलिटी लोगों को देते हो तो ऑटोमेटिकली लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये मेट्रो के लिए सीमित नहीं है, हमारे आज डिजिटल पेमेंट्स की अगर हम बात कर ले, हमारे यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर ले, हमारे यहाँ पर स्मार्टफोन्स की यूजेज को हम देख ले, हमारे यहाँ पर हाईवेज को देख ले जो कि टोल्ड है या फिर कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव रास्ता। बनने के पहले आपको बहुत क्रिटिसिज्म सुनने को मिलेंगे कि कौन इस्तेमाल करेगा, क्यों ही यूज होगा, क्या ही फायदा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को ऑप्शन मिलते हैं जो उनको बेहतर दिखने लगते हैं, ऑटोमेटिकली चीजों का अडॉप्शन होने लगता है और ये जरूरी है देश के टीयर 2 सिटीज के फ्यूचर ग्रोथ के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी आप मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलना, हमारी व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो कई बिहाइंड द सीन्स चीजें देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।